कवर्धा जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे के दो सौदागरों को टाटा 1109 गाड़ी से ओडिशा से यूपी के आगरा ले जाते समय 1050 किलो गांजा के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के आगरा में सप्लाई करने जा रहे थे। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। टाटा 1109 गाड़ी में 1050 किलो गांजा पुलिस द्वारा जो है जब्त किया गया है, जिसकी ओरिजिन पे कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा और मार्केट प्राइस 15 करोड़ से ज्यादा है। ये कवर्धा जिले में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा कभी पकड़ा यहां नहीं गया था। गांजा परिवहन उड़ीसा के बोलांगीर जिले से लेकर आगरा यूपी उत्तर प्रदेश में इसको लेके जाया जा रहा था। ये पहले भी तस्करी में इन्वॉल्व था, इसके मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। इसमें बड़े गांजा तस्करों को आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा।